नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज हम महाराष्ट्रीयन लोटी भांड बनाना इस वीडियो में दिखाएंगे। ये लोटी और ये भांड, ये देखिए। तो ये लोटी और भांड हम आज इस वीडियो में देखेंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यार्न 2.75 mm का क्रोशा, सीजर और एक नीडल। सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। आपके पास अगर थिक यार्न हो तो आप क्रोशा 3.5 या 3 mm का क्रोशा भी यूज कर सकते हैं। मैजिक रिंग बन गई। तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन। अब हम इसमें 12 डबल क्रोशे बनाएंगे। दो तीन चार पांच ये हमारे 12 डबल क्रोशे हो गए हैं। अब इन्हें हम पहले डबल क्रोशे से जोड़ देंगे। फिर से तीन चेन लेंगे और अब हर एक डबल क्रोशे के ऊपर 2 डबल क्रोशे। डबल क्रोशे के ऊपर 2 डबल क्रोशे, डबल क्रोशे उस पे एक दो, इस तरह से पूरा राउंड कर लेंगे। ये हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया है। इसे हम फर्स्ट सेंच से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर तीन चेन बनाएंगे, पहले डबल क्रोशे में हमें 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, एक दो। दूसरे डबल क्रोशे के ऊपर हमें 1 डबल क्रोशा बनाना है। फिर से अगले डबल क्रोशे के ऊपर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, और उसके अगले में एक, इसी तरह से बनाते जाएंगे। इसमें दो, इसमें एक, इसमें 2 डबल क्रोशे, इसमें 1 डबल क्रोशा। इसे पूरा राउंड कर लेते हैं तो हमारा तीसरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया है। इसे हम फर्स्ट डबल क्रोशे से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। दो चेन लेंगे। अब हमें इसमें हाफ डबल क्रोशे बनाना है। जैसा नीचे वाला राउंड बनाया था हमने, एक डबल क्रोशे के ऊपर 2 डबल क्रोशे, फिर 1 डबल क्रोशा, फिर 2 डबल क्रोशे, फिर 1 डबल क्रोशा। उसी तरह से चौथे राउंड में हमें हाफ डबल क्रोशे भी वैसे ही बनाना है। डबल क्रोशे की जगह हमें हाफ डबल क्रोशे
लेना है। दो चेन लेंगे, एक हाफ डबल क्रोशा, दो हाफ डबल क्रोशे, अगले में एक हाफ डबल क्रोशा, दो हाफ डबल क्रोशे, एक हाफ डबल क्रोशा, इससे अगले में एक हाफ डबल क्रोशा, इसमें अगले में दो हाफ डबल क्रोशे, एक हाफ डबल क्रोशा, फिर दो, फिर एक। इस तरह से इस राउंड को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा फोर्थ राउंड कंप्लीट हो गया है। इसे हम पहले डबल क्रोशे से जोड़ देंगे। फिर से तीन चेन लेंगे क्योंकि अब हमें डबल क्रोशे वर्क करना है। ये हाफ डबल क्रोशे हमने इसलिए बनाया कि एक हमको ये अच्छे से, जब हम इसको खड़ा करेंगे तो अच्छे से नीचे ये अपनी हमारी लोटी बैठ जाएगी। अब हमें ये पीछे बैक लूप है उसमें काम करना है। ये बैक लूप, ये हमारा फिफ्थ राउंड बैक लूप में करेंगे हम। ये हमें पीछे बैक लूप में इसमें वर्क करना है। डबल क्रोशे, अब हर एक हाफ डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशा हम बनाएंगे और वो भी बैक लूप में। ये इस तरह से, ये पीछे बैक लूप में, अभी अपना फिफ्थ राउंड बैक लूप में कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम इसे पहले डबल क्रोशे से जोड़ देंगे। फिर से अभी हमारा आकार ये इसे उठने लगेगा। एक दो राउंड और करने के बाद अच्छे से और दिखाई देने लगेगा। तो ये देखिए इस तरह से हमारी दिखेगी। अब मैं इसके ऊपर हर एक डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशा, हर एक डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशा, इसमें भी एक डबल क्रोशा, इसमें भी एक डबल क्रोशा। इस तरह से हमें चार राउंड और कंप्लीट करने हैं। तो ये राउंड में चार कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। ये हमारी छह रो कंप्लीट हो गई। मैंने पांच रो बनाई थी लेकिन वो कुछ छोटा लग रहा था इसलिए एक रो मैंने और आगे बढ़ा ली है। तो ये हमारी कंप्लीट छह रो हो गई। अब हमें दो चेन लेनी है और एक डबल क्रोशे, दो डबल क्रोशे का एक डबल क्रोशा करना है, यानी कम करना है अब हमें। तो हम पहले ये कम करेंगे। यहां पे दो चेन लेके ये हमारा एक हो गया दो का। अब हमें इसमें डबल
क्रोशा पूरा नहीं बनाना है, आधा डबल क्रोशा बनाना है ये, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। हमारे पास ये तीन है, तीन स्टिच, तीनों को एक कर देंगे तो ये हमारा फंदे यहां पर कम हो गए। फिर से देखिए, ये आधा डबल क्रोशे बनाया, उससे अगली स्टिच में भी आधा डबल क्रोशे। अब इन तीनों स्टिच को एक कर देंगे, ये आधा डबल क्रोशे, ये आधा डबल क्रोशे, ये हमारे अब यहां पर स्टिच हमारी कम हो जाएंगी। इस तरह से पूरा राउंड कर लेती हूं, फिर आपको आगे का बताती हूं। ये देखिए हमारी लोटी में गोलाकार आ गया है। अब हमें तीन चेन लेनी है, तीन चेन लेंगे और जितने हमारे पास स्टिच हैं इनको कम करने के बाद उनके ऊपर एक एक डबल क्रोशा हम बना लेंगे। पूरा राउंड एक डबल क्रोशे का बना लेंगे। पूरा यहां तक मैं बनाती हूं, फिर आपको आगे का दिखाती हूं। ये देखिए डबल क्रोशे बनने के बाद हमारी ये इस तरह से दिखाई देगी। अब ये जितने भी आपके पास स्टिच है इसमें हमें हर एक डबल क्रोशे के ऊपर दो डबल क्रोशे बनाने हैं, एक दो। हर एक डबल क्रोशे पे दो डबल क्रोशे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसे वही फर्स्ट पहले डबल क्रोशे से जोड़ दिया तो ये हमारा, ये देखिए इसको ऐसे टर्न कर देंगे, ये हमारी लोटी बनके तैयार हो गई। इसके अंदर स्टफिंग भी हम भर सकते हैं, नहीं इसका आकार ऐसा का ऐसा रहेगा। अब इसे हम धागा कट कर देंगे। इसे टाइट कर देंगे और इस वाली ऊन को हाइड कर देंगे। इसी तरह से इसको इस तरह से उल्टा करके इसको भी हम अंदर से हाइड कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारी लोटी तैयार हो गई।
इसके अंदर चाहे तो स्टफिंग भर लेंगे हम, तो इससे इसका आकार, ये स्टफिंग खिलौने में भरने वाली है, ये आपको किसी भी खिलौने की दुकान पे इजीली अवेलेबल हो जाएगी। ये देखिए हमारी ये हमारी तैयार हो गई। अब हम पानी पीने का इसका भांड बनाएंगे। अब हम पानी का भांड बनाएंगे जिसमें हमें फिर से एक मैजिक सर्कल बनानी होगी, तीन चेन बनाएंगे, एक दो और तीन, और हमें आठ डबल क्रोशे, 12 डबल क्रोशे बनाएंगे, 8 नहीं 12, इसमें भी 12 डबल क्रोशे हम बना लेंगे। इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ। एक दो तीन, और ये 12 डबल क्रोशे, इसे भी हम टाइट कर लेंगे। और इसको भी पहले जैसे किया उसी तरह से स्लिप स्टिच से इसको पहले डबल क्रोशे से जोड़ लेंगे। और फिर से तीन चेन बनाएंगे और हर एक डबल क्रोशे के ऊपर दो डबल क्रोशे, हर एक डबल क्रोशे पे दो डबल क्रोशे, यानी हमें 24 डबल क्रोशे मिल जाएंगे। ये देखिए ये हमारे 24 डबल क्रोशे बन गए हैं। अब इसे पहले ही डबल क्रोशे से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब हमें इसमें इसको बड़ा नहीं करना है सर्कल को। अब जितने हमारे पास 24 डबल क्रोशे हैं उन्हीं को हम आगे बढ़ाएंगे। तीन चेन, हर एक डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशा, हर एक डबल क्रोशे पे एक डबल क्रोशा। ये देखिए ये पानी का इस तरह से हमें बनाना है। इसमें स्टफिंग डाल रखिए। ये देखिए हम इसके तीन राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें भी अगर चाहें आप तो इन दो सर्कल या रो के बाद यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे की एक लाइन बना सकते हैं, जैसे हमने ये लोटी में बनाई है, तो हमें ये इसमें भी एक बेस प्राप्त मिल जाएगा। तो मैंने इसमें तो बनाया नहीं है, लेकिन आप चाहें तो बना सकते हैं। मैं तीन राउंड कंप्लीट कर लेती हूं, फिर आपको आगे का दिखाती हूं। ये देखिए
ये हमारी चार रो कंप्लीट हो गई। इसमें अब हमें क्या करना है, अब हमें दो चेन लेके हर एक डबल क्रोशे के ऊपर दो हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। ये हाफ डबल क्रोशे क्यों बनाने, क्योंकि ये हमारा भांडा छोटा है। अगर डबल क्रोशे की हम जैसे हमने इसमें हमने बनाई है, ये डबल क्रोशे की हमने बनाई है, तो ये बहुत ज्यादा बड़ी दिखेगी, तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। आप चाहे तो सिंगल क्रोशे की भी दो रो बना सकते हैं, पहले एक रो उसके ऊपर फिर दो रो, तो चाहे तो आप सिंगल क्रोशे की भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक साल पहले बनाया था, इस पे मैंने सिंगल क्रोशे की दो रो बनाई है। ये देखिए, ये भी मैंने एक साल पहले बनाया था, जिसमें मैंने हाफ डबल क्रोशे की तीन लाइन बनाई है। एक तो ये आपको दिखाई बना के, और मैंने नीचे सिंगल क्रोशे का वर्क किया है। अभी हम मैंने डबल क्रोशे का वर्क यहाँ पे किया था, तो आप चाहें तो सिंगल क्रोशे का इस तरह से भी वर्क कर सकते हैं। तो मैंने एक यहाँ पर हाफ डबल क्रोशे की रो, एक यहाँ बीच में हाफ डबल क्रोशे की रो, और एक यहाँ ऊपर हाफ डबल क्रोशे की रो ली है, और यहाँ पे भी मैंने सिंगल क्रोशे का वर्क किया है। ये पोस्ट मैंने मेरे इंस्टाग्राम पर डाल रखी है, तो ये काफी पुरानी, एक साल पहले मैंने बनाया था ये डिजाइन। तो अब हमें इसमें हर एक डबल क्रोशे में दो हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं, एक ये दो, ये एक ये दो। ये एक और ये दो मैं ये पूरा कर लेती हूं, फिर आपको दिखाती हूं। ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने इसमें एक रो और बढ़ाई थी, क्योंकि वो बहुत छोटा दिख रहा था, तो मैंने इसमें एक रो और बढ़ा दी थी, और उसके बाद फिर हाफ डबल क्रोशे की लाइन बनाई थी। तो मैं इसको मैं यान कट कर लेती हूं। ये देखिए, इसे भी हम हाइड कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा बर्तन, पीने के पानी का भांडा बोलते हैं जिसे, वो तैयार हो गया। और ये हमारी लोटी, ये हम इस तरह से, ये देखिए, ये एक तो मैंने आपको दिखाई थी, ये देखिए, ये भी उसी तरह से बनाइए। ये देखिए, निकाल के दिखाती हूँ आपको। ये मेरी थोड़ी सी ठीक याद थी, ये इस तरह से रखा जाता है। ये हमारा लोटी और भांडा बनकर तैयार हो गया है। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा।
थैंक यू।